मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे कि एक प्रश्न आया है कि क्या मैं मांगलिक हूं। मैंने पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज बताएंगे मोटे तौर पर। वैसे तो ये बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ये बुद्धादित्य योग, बुद्धादित्य योग का प्रभाव और खास विषय है द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो उन पर विचार करेंगे। जैसे कि बुद्धादित्य योग द्वादश सप्तम भाव में क्या प्रभाव देगा और मांगलिक का विचार करेंगे, ताकि उनका भ्रम मांगलिक के विषय में दूर हो। होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं, ये 12 भाव है कुंडली के। साधारण तौर पर मांगलिक का विचार जो उत्तरी भारत में किया जाता है, लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो, तो मांगलिक माना जाता है। एक साधारण तौर पर दक्षिणी भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल को माना जाता है। मंगल का एक साधारण सा नियम है, वो दाम्पत्य सुख में हानि करता है। मैं आपको एक तरह से बताऊं कि ऐसा मंगल जो दाम्पत्य सुख में हानि करता है, उसी को मंगल मान लो। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आप मांगलिक, ये 5 जगह स्थान पर होता है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, इसको चंद्र लग्न से भी देखना चाहिए और इसको नववास में भी देखना चाहिए। जब हम इसको तीनों देखते हैं तो उसमें चंद्र लग्न का अधिक महत्व है। और हम कुंडली जब मिलान करते हैं तो हमने अपने अनुभव में ये देखा है, अगर 2-4% ही ऐसे होते हैं, नहीं है तो मांगलिक दोष कट जाता है। मांगलिक दोष दो तरह से कटता है, एक तो स्वयं की कुंडली से कट जाता है और दूसरा जीवन साथी से मिलाते हैं तो कट जाता है। तो अच्छा, मांगलिक दोष के और भी परिभाव है। अगर कुंडली में मांगलिक दोष है और सप्तम भाव पर अच्छा सुप्रभाव है, सप्तमेश पर अच्छा प्रभाव है, तो मांगलिक दोष कुछ नहीं कर सकता। मांगलिक दोष कुछ नहीं कर सकता, मांगलिक का इशू है दाम्पत्य सुख से। तो अगर सप्तमेश की शुभ स्थिति हो, सप्तम भाव की शुभ स्थिति हो, चाहे कितने ही मांगलिक दोष हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मांगलिक का कोई हवा नहीं है, यह भी एक ग्रह है। हां, मांगलिक हनुमान जी का रूप है, ब्रह्मचारी है, तो जरूरी बात है अगर ये दाम्पत्य सुख में परेशानी डालता। वैसे भी दर्शकों, लग्न और सप्तम भाव एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन जब विवाह होता है तो एक दूसरे को साथ रहना पड़ता है। अब जैसे मैं बताऊं बात, सिंह लग्न हो तो सप्तम भाव में कुंभ राशि आएगी, एक का स्वामी शनि है और एक का स्वामी सूर्य है, लेकिन उनकी जो शुभ स्थिति होगी वही मधुरता भी बनेगी और अशुभ स्थिति होगी तो कटुता भी बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है, डर नहीं, अपने आप कट जाता है। कुंडली में जैसे मैंने बताया, स्वयं की कुंडली में हो, अगर सप्तम भाव सप्तमेश इस पर अच्छा शुभ प्रभाव हो तो अपने आप वो NFA हो जाता, कट जाता, उसका कोई प्रभाव नहीं। और जीवन साथी की कुंडली का, जीवन साथी में अगर मान लिया कोई भी, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, उसके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और दशम में मंगल है, और जब आप कुंडली मिला रहे हैं या कोई भी मिला रहे हैं, अगर इन्हीं भावों में कोई क्रूर ग्रह हो, जैसे राहु, सूर्य, शनि, ये तीनों ग्रह हैं, या मंगल, ये 4 ही ग्रह क्रूर है, इनमें से कोई भी एक स्थान पर हो तो वो मांगलिक दोष कट जाता है। मान लिया आपकी कोई कुंडली है और इसमें द्वादश में मंगल है या प्रथम में मंगल है, कहीं पर भी एक जगह मंगल है, मैं फिर समझाता हूं, और आपके इन्हीं 5 भावों में पहला, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव कहीं पर भी राहु हो या शनि हो या सूर्य हो, तो मांगलिक दोष अपने आप कट जाता है। लेकिन जब आप शादी करने जा रहे हो, एक चीज का एक खास ख्याल रखें, अगर सप्तम में मंगल है और अष्टम में दूसरे, यानी वर कन्या का, एक का सप्तम हो दूसरे में अष्टम हो, कभी मिलान मत करो, उसमें दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होगा।
उस चीज को अवॉइड करो। बोलो तो योग तो कट रहा है, अगर भाई एक का सप्तम में एक का अष्टम में, लेकिन वो कटने के बजाय और परेशानी देने वाला योग है, बाकी कहीं किसी भाव में भी होने दो। तो मैंने आपको अध्याय बहुत है, मैंने पहले जैसे ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो दक्षिणी भारत में बताया जाए तो उसके हिसाब से ही बताया, इतना समय इतना लंबा वीडियो कैसे होगा। और मंगल की स्थिति लगन से भी देखो, चंद्रमा लगन से भी देखो और नवमास से भी देखो, तब जाकर के पूर्ण माल, अगर इन तीनों से वो मांगलिक है तो पूर्ण मांगलिक माना जाता है। तो ये मैंने मंगल के बारे में आपको छोटा सा एक परिहार बता दिया, ये मेन चीज है। बाकी मंगल कुंडली में अगर योग का रखो तो रुचक योग बनाता है, केंद्र में होगा मंगल होगा, मान लिया यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर होगा तो रुचक योग भी बनाएगा, तो कैसे होगा, वो तो मंगल नहीं माना जाएगा। मतलब मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वयं राशि में हो, तो ऐसा उच्च राशि में हो तो वह मंगल मांगलिक दोष नहीं कहा जाता, उसको मांगलिक दोष नहीं कहते। और कुंडली में कुछ कुंडली ऐसी है कि उन लोगों को भ्रम हो गया कि जैसे सिंह लगन की कुंडली है तो मंगल योग कारक है, सिंह लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है। जब एक त्रिकोण का स्वामी एक और कौन का केंद्र का स्वामी है वह मंगल है, वो कहीं पर भी होने दो, मांगली दोष नहीं बनाएगा, क्योंकि नवेश तो भाग्य बनाने वाला है, वो भाग्य का स्वामी है। तो इस तरह से मंगल के जो परिहार दिए हुए हैं कि कौन सी में, वो बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन साधारण से जो कुंडली में देख रहा हूं लगन से वो जाते का कि लड़की है वो मांगलिक नहीं है। आगे चलते हैं, विचार करेंगे। बुध आदित्य योग द्वादश सप्तम भाव में, द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में क्या प्रभाव देगा और मांगलिक का विचार। मांगलिक का मैंने आपको मोटे तौर से बता दिया। जातिका का जन्म 15 दिसंबर 1999 शुक्ल पक्ष 8 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चरण 2 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, सिंह लगन की 14 डिग्री है। द्वितीय भाव में शुक्र अपनी राशि में है, तुला राशि में है, और चतुर्थ भाव में बुध 12 डिग्री और सूर्य 29 डिग्री लेकर के बुद्धादित्य योग बना रहा है। बुद्धादित्य योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। छठे भाव में मंगल उच्च राशि का साथ में केतु है। ज्योतिष का सिद्धांत बताता है जब कोई भी राशि अपनी स्वग्रह में हो, उच्च राशि में हो और साथ में केतु हो तो ध्वज का काम करता है, उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। जब केतु साथ में होगा उसके अपोजिट में राहु होगा, राहु पीट भी देगा, वो भी बात है, राहु पीड़ित भी कर देगा उस ग्रह को, तो राहु केतु एक दूसरे सप्तम स्थान पर होते हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा 25 डिग्री, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, और नव भाव में शनि नीच राशि में 17 डिग्री, गुरु 1 डिग्री 11 मिनट लेकर के विराट में, यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों बुद्धादित्य योग के बारे में बात करते हैं। बुद्धादित्य योग एक राजयोग की तरह से है। ऐसा बालक जिसकी कुंडली में होता है वो विद्वान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, प्रसिद्ध होता है, सम्मान मिलता है, अच्छा व्यवसाय होता है, और लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बना रहा है तो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, और लग्नेश के साथ द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी बुध आ गया, बुद्धत्व तो बन गया, सम्मान की भी कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, और दशम भाव को देख रहा सूर्य दशम भाव के दिग्विजय, व्यवसाय या नौकरी वो भी अच्छी होगी, मतलब सम्मान होगा। बुद्धादित्य योग का ये मैंने आपको प्रभाव बता दिया, आनंद में जीवन बनेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। एक्चुअली उन लोगों को बहम हुआ है या किसी ने भी किया है, इस कुंडली में चंद्रमा ही परेशानी देने वाला है। कैसे परेशानी देने वाला है दर्शकों, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। कर्क राशि में द्वादश भाव में राहु है और चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। मैंने आपको अपनी कितनी भी कुंडलियों में मैंने बताया कि सूर्य शनि राहु द्वादश भाव का स्वामी ये और राहु अधिश राशि का स्वामी, ये पांच ग्रह पृथक कारक जनक होते हैं। तो चंद्रमा एक तो द्वादश भाव का स्वामी हो गया और फिर राहु अधिश राशि का स्वामी हो गया और सप्तम में आ गया। सबसे बड़ी परेशानी उस कुंडली में ये आ गई है कि चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया। द्वादश भाव भोग का भाव है दर्शकों, द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है और सप्तम भाव भी भोग विलास का भाव है। भोग का स्वामी भोग विलास का स्वामी और सप्तम भाव भोग विलास में आ गया और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, भोग विलास का स्थान है, चरित्र कमजोर हो सकता है क्योंकि चंद्रमा लगन को देख रहा, लगन को प्रभावित करेगा,
कामुक बनाएगा, यहां पर चंद्रमा कामुक बनाएगा और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, व्यसनी होगी, बुरी आदतें होंगी, ऐसे को अविवेकी होगा और दाम्पत्य सुख में परेशानी यहां पर ये चंद्रमा करेगा। द्वादश भाव का स्वामी है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, लगन को देख रहा है, शरीर में दुर्बलता होगी, मन कमजोर होगा और कर्क राशि में राहु है और मंगल की नीच दृष्टि प्रभाव है, कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि में मंगल प्रभाव है, ऐसे जाते का वक्षस्थल या शरीर कमजोर होगा, बहुत दुबला पतला होगा और ऐसे संकारक योग हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव से मंगल नीच राशि देखा, राहु पहले से यहां पर है, ऐसे जातक को अगर इमली के पत्ते पर पैर आ जाए तो खांसी जुकाम मुफ्त में मिल जाएगा, ऐसे उसकी संभावना हो जाती है। कर्क राशि पीड़ित है, दस को कर्क राशि पीड़ित है, चतुर्थ भाव में भी राहु का प्रभाव है, चतुर्थ भाव पीड़ित है और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में है, राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, कर्क राशि पीड़ित है, चतुर्थ भाव में भी प्रभाव राहु का जा रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में वो भी पीड़ित है, एक चंद्रमा बचा, तो ऐसे जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित रोग आएगी और चतुर्थ कर्क राशि हमारी छाती का प्रतिनिधि करता है, चाहे स्त्री या पुरुष हो, तो छाती में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज है, जितने भी हमारे अंग शरीर के, उनमें कमजोरी आएगी, उनसे संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, लंग से संबंधित कमजोरी आएगी, जब दशा आएगी, जब पता लग जाएगा। ये मैंने, और चंद्रमा यहां पर विवाह में बाधा का कारण बनता है, दाम्पत्य सुख में परेशानी देता है। अब बात करते हैं मंगल की, जो तूती बोल रही है, बोला मंगल मंगल मंगल, हाय मंगल, मैंने बताया लगन में चतुर्थ में और सप्तम में अष्टम में द्वादश में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है, कर्क यानी चंद्रमा लगन से भी हो और भी। लेकिन साथ में यह भी है कि मंगल अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो इन सब में वो मांगलिक प्रभावी नहीं रहता है। अभी दर्शकों बात करते हैं मंगल, मंगल सिंह लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, तो कैसे मांगलिक बन जाएगा, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, भाग्य भाव है, अगर यहीं पर मंगल यहां की बजाय यहां पर भी वृश्चिक राशि में होता तो रुचिक योग बनाता, उसकी चतुर्थ दृष्टि यहां सप्तम भाव पर भी तो भी मधुरता में कमी तो तब भी करता जब अपनी राशि में होता, रुचिक योग बनाते हुए भी, क्यों शत्रु की राशि है, थोड़ी सी मधुरता में कमी होता, लेकिन शरण कुमार होता, माता पिता को तीर्थ कराने वाला होता, मांगली दोष का उसका संबंध नहीं रहता, और अगर यही मंगल यहां की बजाय यहां होता तो दिग्बली होता और उच्च पद मिलता, कहां चला गया मंगल। तो दर्शकों मंगल का निर्णय करने के लिए कुंडली में देखना जरूरी है कि मंगल किस भाव का स्वामी है, कहां पर बैठा है, सिंह लगन में मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, नौ भाव का स्वामी है, कहीं पर भी 12 भावों में बैठो वो मांगलिक नहीं होगा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव का स्वामी है और लग्नेश है, जहां देखेगा शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव देगा, और जैसा मैंने बताया अगर यहां होगा तो सप्तम भाव को देखेगा त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, लेकिन विच्छेद नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कहीं पर भी होगा मंगल दाम्पत्य सुख में, क्यों गृहस्थी में वो ब्रह्मचारी है इसलिए है, तो विच्छेद नहीं होगा, तो इस कुंडली में मंगल का मांगलिक दोष नहीं हो सकता लगन कुंडली से। चंद्रमा लगन से भी अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा लगन से दशम भाव में मंगल पड़ता है, यहां पर उच्च राशि में आ गया, अब राशि में मांगलिक दोष नहीं। अब यहीं से मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा, चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहा, सूर्य की राशि है, मधुरता में तो कमी देगा क्योंकि वो उग्र स्वभाव है, मंगल का स्वभाव उग्र है और ब्रह्मचारी है, लेकिन विच्छेद या तकलीफ वाली बात नहीं। ऐसा तो आपने कितने घरों में भी देखता है, भाई जीवन साथी सुनता ही नहीं, वो तो कितने घरों में देखा। और इसी में अगर चंद्रमा लगन से हम देखेंगे तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में हो जाता है, भाई जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनेगा, आपको जीवन साथी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ये ग्रह दोष होते हैं, ग्रह योग होते हैं, उसका मतलब ये नहीं एक मांगलिक हो गया। तो मेरा ख्याल है मंगल के बारे में इतना ही काफी है, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है वो, उसमें मैं यही खत्म कर देता हूं। अभी मंगल चतुर्दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, छठे भाव से देख रहा है, परिश्रम से उन्नति करने की कोशिश करेगा, यहां पर उच्च का मंगल नल्हाल पक्ष से मामा के पक्ष से फेविकोल का जोड़ बनाएगा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चतुर्थ भाव का माता का भाव है, माता का स्वामी मंगल पीड़ित है,
माता बीमार होगी, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा और माता के भी आचरण में कमजोरी आएगी, क्योंकि मंगल राहु से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि यहां पर तो है चतुर्दशी, तो शनि भी पीड़ित है और शनि की दशम दृष्टि है, दोनों आपस में पीड़ित है, ये पीड़ित है, प्रभावित है। तो लेकिन मांगलिक दोष का कोई जिक्र नहीं। वैसे ही यहां पर पिता का है, पिता का सुख होता है, पिता का कार्य, तो पिता के सुख में भी कमजोरी आएगी, माता के सुख में भी कमजोरी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिंह लगन की कुंडली में मंगल योग कारक होता है, किसी भी भाव में वो मांगलिक नहीं होता। हाँ, एक चीज और है, जातक तत्व और हमारे ज्योतिष शास्त्र बताते हैं इन्हीं भावों में अगर क्रूर ग्रह हो, राहु शनि केतु इनको अशुभ ग्रह हो, तो भी मांगलिक जैसा ही प्रभाव देते हैं। उन्होंने उनको ऐसा माना, अब इसको भी मांगलिक की तरह से इसको ट्रीट करे, वैसा ही करे कि वो भी दाम्पत्य सुख में हानि करेंगे। जैसे कि मैंने बताया राहु यहां पर द्वादश भाव में है, राहु द्वादश भाव में, द्वादश भाव सहवास सुख की हानि करने वाला है, हानि हो रही है, मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है, तो ये भाव दशम भाव पीड़ित हो गया। मंगल का कसूर नहीं हो तो नीच दृष्टि से देख रहा है और कोई शुभ दृष्टि से देख नहीं रहा है। तो ये इतना काफी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो असली चीज है, असली चीज है वो आगे बढ़ते हैं। गुरु कन्या जाते के लिए विवाह का कारक है, एक डिग्री गुरु कमजोर है, उस बालिका को गुरु के उपाय करने पड़ेंगे तब शादी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। वो विवाह तो गुरु ने करानी है। अब आ गया दाम्पत्य जीवन पर, आप आ जाइए, दाम्पत्य जी देने वाला शुक्र है। अभी हमने बताया था मंगल की स्थिति लगन से, चंद्र लगन से, नवा से, और हमने क्रूर ग्रह भी उसी में बताए। दूसरा शुक्र से भी देखना चाहिए, वो कैसे देखना चाहिए, हालांकि उसको मंगल के नहीं कहा जाए, क्यों शास्त्र ये कहता है शुक्र से चतुर्थ भाव में, शुक्र से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, बारहवें भाव में अगर पाप ग्रह हो, वो मंगल भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, तो तलाक होगा। यहां पर शुक्र से चतुर्थ भाव में मंगल है, पाप ग्रह है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, तलाक की कंडीशन आ सकती है, नौबत आ सकती है, तो शुक्र से भी पाप ग्रह को देखना चाहिए जब मंगल हो। इसलिए हमारे कुछ जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ये कहते हैं कि मंगल को शुक्र से भी देखो, तो नॉट ओनली मंगल, आप पाप ग्रह को देखो अगर जीवन अच्छा चलाना है तो। अब शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, गुरु से विवाह करने वाला है, और विवाह में चंद्रमा रुकावट दे रहा है, गुरु रुकावट दे रहा है, कमजोर है। अब इस शुक्र की बात करते हैं, शुक्र तीर्थ भाव में, अपने भाव में लेखन शक्ति अच्छी होगी, बुद्ध कला का कार होगा, समझदार होगा, उसमें कोई शक नहीं, अपनी राशि में है, पुरुष राशि में है। लेकिन मंतेश्वर जी क्या कहते हैं कि शुक्र कामुक बनाता है तीर्थ भाव में, अगर तीर्थ भाव में शुक्र के ऊपर शनि या राहु आदि का या शुभ प्रभाव हो तो पथ भ्रष्ट होते भी बालक देर नहीं लगती, चाहे कुंडली कन्या की हो या पुरुष की कुंडली हो, वह कामुक बनाता है और वैवाहिक सुख में हीन कर देता है। स्त्री जाति की कुंडली में कुछ फायदा दे देता है, स्त्री जाति की, स्त्री जाति कौन सी राशियां होती है, वृषभ राशि, करक राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनमें ये स्थित राशि है, तुला राशि पुरुष राशि है, पुरुष राशि में शुक्र है और शनि का प्रभाव है, जहां पर आचरण दूषित हो सकता है, बच्चे को संभल के रहना चाहिए। और दूसरा आगे हम बात करते हैं, जैसे शुक्र से चतुर्थ, शुक्र से सप्तम और शुक्र से द्वादश नहीं है, यहां पर कोई भी एक ग्रह हो, चाहे चतुर्थ हो, सप्तम हो या द्वादश हो, वो तलाक की भूमिका निभा सकते हैं, ये भी स्थिति आती है। और शुक्र शनि या राहु से दृष्ट हो या युति हो, तो ऐसे बच्चे के, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो प्रेम प्रसंग की अधिकता हो जाती है और अभिभावक के इच्छा के विरुद्ध भी विवाह हो भी सकता है, क्योंकि शुक्र और सप्तमेश यहां पर है, नवम भाव पर शनि का प्रभाव है और नवमेश मंगल पर भी राहु और शनि का प्रभाव है। शुक्र व सप्तमेश शनि राहु से दृष्ट हो, प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, पीड़ित हो, अभिभावक की इच्छा से भी विवाह हो सकता है।
नव भाव का स्वामी, नव भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, किसी भी कुंडली में हो, यहां पर राहु और शनि का प्रभाव है, पाप प्रभाव हो नव भाव का स्वामी, तो अंतर जातीय विवाह भी हो सकता है, संभव है। और पंचमेश की उच्च राशि में राहु हो, पंचमेश क्या धनु है, धन राशि है, धनु धनु के स्वामी गुरु है, करक में उच्च के होते हैं, पंचमेश जिसमें उच्च राशि में होता है करक राशि में, उसमें राहु हो तो दर्शकों प्रेम विवाह के चांसेस बन जाते हैं, राहु या केतु हो तो बन जाते हैं। शुक्र सप्तमेश, शुक्र और सप्तमेश शनि परस्पर एक दूसरे पर हो, ये भी किसी तरह से प्रेम संबंध को अंगित करता है। तो मैंने आज आपको मैंने बताया कि इसमें ना ही मंगल की बात है, इसमें ये सारी चीजें हैं, मांगलिक लगन से भी देखो, चंद्र लगन से भी, नवास कुंडली से भी देखो, और 1, 4, 7, 8, 12 में क्रूर ग्रह भी अशुभ प्रभाव देते हैं, वो भी देखना चाहिए। सुख से 4, 8, 12 पाप ग्रह तलाक की भूमिका निभाता है। सिंह लगन में मंगल कारक ग्रह है, लग्ने सप्तमस परेश्वर 6, 8 दान फल हो। इस कुंडली में मंगल तो कारक ग्रह है, दूसरी चीज देखिए लग्ने शुक्र, लग्ने सूर्य है चतुर्थ भाव में है, और सप्तमेश नवम भाव में, दोनों एक दूसरे से 6, 8 भाव में है, दाम्पत्य कलह होगी 100% होगी, और बच्चों में अलगाव की भावना आ सकती है, परित्याग भी हो सकता है, तो समय से पहले भ्रमण करना चाहिए। अब दर्शकों बात करते हैं ऐसी कुंडली का, जब तक नवास आदि का अध्ययन नहीं हो तो उपाय नहीं, उपाय जुड़ी बात है, पितृदोष कराना पड़ेगा, जितने दोष बताए जितने देर इनकी शांति करानी पड़ेगी, मंगल की शनि की और सूर्य की शुक्र की आदि की शांति करानी पड़ेगी, लेकिन वो सारी चीजें तब है कि नवास जो कुंडली है बेसिकली नवास जीवन साथी के लिए मूल रूप से बनी है, उनका भी अध्ययन करना जरूरी है, वो वीडियो में संभव नहीं है, वो तुम्हारे पत्रिका में लिखता हूं। तो ऐसे कुंडली को, ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, और सारे ग्रहों की जो एक दूसरे को त्रुटि कर रहे हैं उनकी शांति करानी पड़ेगी, उसके बाद जातिका को गुरु को बलवान भी करना पड़ेगा, गुरु को बलवान भी करना पड़ेगा, और फिर विवाह से पहले कुंभ विवाह भी करके फिर योग्य पुरुष से शादी करनी पड़ेगी। तो आशा सोचो गृहस्थी जीवन अच्छा चलेगा। तो ये मैंने आप बताया, उनको तो मंगल का ही चक्कर हो रहा, मंगल इसमें कोई मांगलिक दोष नहीं है। मैं फिर बताता हूं, सिंह लगन की कुंडली में मंगल योग कारक होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी नव भाव का स्वामी होता है, वह मांगलिक दोष नहीं बनाता क्योंकि योग कारक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, इस विषय के ऊपर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इतना संभव नहीं है 15-20 मिनट में, वो मैं कुंडली में क्लियर करता हूं, चंद्र लगन से नवा से क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए, तो ये कुंडली ही इस किस्म की है। अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन करता है किसी को, तो आप लाइक करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और मैं आपसे आग्रह अनुरोध करूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक अवश्य करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करें, खराब लगता है तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, आपके कमेंट्स मेरी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। तो कोई भी परिपूर्ण ज्ञान से संपन्न नहीं है, कुछ तो आप भी जानते हैं कुछ मैं भी जानता हूं, जब दोनों को विचार मिले तो जातक का भला हो सकता है। फिर कहूंगा अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।